नए साल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। 2024 के पहले ही दिन मौसम विभाग ने पारा गिरने का अनुमान जताया है और कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। कोहरे की वजह से मध्य प्रदेश के शहरों से होकर गुजरने वाली ट्रेनें 12 से 18 घंटे तक लेट चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज भोपाल, सीहोर, ग्वालियर, चंबल, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, भिंड, मुरैना, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, मंडला और आगर मालवा जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। 29 दिसंबर से नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो गया है, जिसके चलते मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। 4 जनवरी तक बादल छाए रहेंगे, इसी बीच हल्की फुल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने जबलपुर, सागर, रीवा संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं। रविवार को प्रदेश के सभी संभागों का मौसम शुष्क बना रहा। न्यूनतम तापमान दतिया में 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं छतरपुर के नौगांव में 7.9 डिग्री, खुजराहो में 8, शहडोल में 8.3 और रीवा में 8.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दिन में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा, यहां दिन का अधिकतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें खबर बेबाक के साथ।